नमस्कार किसान साथियों, फार्मर्स वेलफेयर हब के चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, तूड़ी की जो डिमांड है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। काफ़ी डिमांड जो है राजस्थान में भी है, और जहाँ सरसों का एरिया था वहाँ से भी काफ़ी डिमांड तूड़ी की इस साल रही है। लेकिन अभी कल ही जो है एक सरकार द्वारा फैसला लिया गया है, मेनली ये सिरसा और फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान बॉर्डर के साथ लगता है, तो उसके डीसी द्वारा यह अनाउंस किया गया है कि जो हरियाणा की तूड़ी है वो सिर्फ हरियाणा में ही रहेगी और हरियाणा से बाहर राजस्थान स्टेट बॉर्डर नहीं क्रॉस कर सकेगी। तो यह उनका कल से निर्देश आया है, तो इसके ऊपर आप ज़्यादा जानकारी इस वीडियो में लेंगे। और जो पहले क्या रेट था, इसके बाद थोड़ी मंदी भी आनी शुरू हुई है, तो इसके बारे में भी आप इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सो किसान साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की जो खेतीबाड़ी से जुड़ी ताज़ा अपडेट है वो आप तक समय से पहुँच सके। तो किसान साथियों, ये जो आदेश है, जो तूड़ी हरियाणा स्टेट से बाहर नहीं जाएगी, तो इसका पालन सख्ती से हरियाणा में होना शुरू हो गया है, और उसका असर भी आज यहाँ पे दिखना शुरू हो गया है। ये हमारे खेत में खुद जो तूड़ी का स्टॉक पहले तो साथ के साथ निकालते जा रहे थे, लेकिन अब जो है वो इसके ऊपर टेम्परेरी रूप से जाली वगैरह से ढक दिया है इसको, क्योंकि अभी जो ट्राले हैं वो दूसरी स्टेट, पहले सारी तूड़ी राजस्थान जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके ट्राली ट्रैक्टर का या जो भी साधन है उसका मोटा चलान उनको जो आरटीओ या सरकार द्वारा काटा जाता है उस ट्रैक्टर ट्राली या साधन का। तो काफ़ी सख्ती से यह लागू हो भी गया है। कुछ न्यूज़ भी आई है कि पहले 35,000 तक के जो चलान है वो ट्रालों के या गाड़ियों के काटे गए हैं, जो तूड़ी सप्लाई करते थे हरियाणा से पंजाब लेके जाते थे। तो इसकी जो मार है वो काफ़ी हद तक जो किसान ने बेचनी है उसको भी थोड़ा मंदी का जो दौर है वो सहना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो दूसरे एरिया में, जैसे आप राजस्थान की बात करें या उन एरियों की बात करें जहाँ पे सरसों का एरिया ज़्यादा था, तो वो उनको अपने पशुओं के लिए तूड़ी जुटानी भी एक तरह से काफ़ी मुश्किल हो रही है। तो ये फैसला काफ़ी एक तरह से किसानों के लिए बहुत ही मीन्स दिल दहलाने वाला है, क्योंकि तूड़ी इधर उधर नहीं जा रही और मेनली स्टेट बॉर्डर से पार नहीं कर रही, तो इसकी वजह से दिक्कत आ रही है, जो बेचने वालों को भी आ रही है और लेने वालों को तो आएगी आएगी, क्योंकि अभी तूड़ी नहीं जा रही तो एकदम से तूड़ी का रेट में उछाल रहेगा। लेकिन जो किसान यहाँ से बेचने, अगर सिरसा फतेहाबाद या हरियाणा के किसान हैं, तो उसको थोड़ा मंदी का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले 630-640 तक जो तूड़ी का पर क्विंटल का रेट था वो यहाँ से जा रहा था, लेकिन अब इसके बाद पहली बात तो कोई भर ही नहीं रहा। अगर कोई आसपास के हरियाणा के जो किसान हैं, जैसे बॉर्डर के पास जहाँ पे सरसों ज़्यादा लगती है, वो भर भी रहे हैं तो 600 के आर बार रेटों में भर रहे हैं, वो भी बिल्कुल छोटी 20 या 25 क्विंटल वाले जो साधन हैं वो भर रहे हैं। तो इससे बेचने वाले किसानों को भी काफ़ी दिक्कत आई है। ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि जो ये गौशाला है, जो मीन्स सिरसा फतेहाबाद की गौशाला है, उनको ये तूड़ी पूरी नहीं आ रही थी, तो उनकी पूरी तूड़ी पूरी करने के लिए यह फैसला लिया गया है। तो देखते हैं इससे मतलब क्या फैसले से गौशाला को तूड़ी तो पूरी पता नहीं होएगी कि नहीं होएगी, लेकिन किसानों को काफ़ी दिक्कत, या व्यापारियों को भी कह सकते हैं, इसमें आ रही है। और सब ने फिर तूड़ी का स्टॉक, जैसे आपने भी इस पे जाली एक बार डाल के रख दिया है, तो इसको मतलब स्टॉक करना एक तरह से मजबूरी हो गया है, तो क्योंकि तूड़ी संभालना भी काफ़ी मुश्किल है, ऊपर से बरसात का मौसम है या अंधेरी वगैरह आ रही है, तो तूड़ी संभालना भी काफ़ी मुश्किल है। तो आपके हिसाब से यह फैसला सरकार का सही है या गलत है, अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर साझा करें, क्योंकि अगर यह फैसला थोड़े दिन और चलता है तो जो राजस्थान के किसान हैं, जो उनके पशु हैं, तो उनके लिए उनको तूड़ी जुटाना काफ़ी समस्या की बात हो जाएगी। तो आप भी अपने विचार
कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और आगे जो भी इस पे अपडेट रहेगी आपको अगली वीडियो में सूचित किया जाएगा। तो किसान साथियों, वीडियो कैसी लगी सुझाव भी दें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसानों के साथ शेयर भी ज़रूर करें, ताकि वो भी इस जानकारी से मींस अपना जो है जानकारी से फ़ायदा ले सके। और फार्मर्स वेलफेयर हब के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद किसान साथियों।